मैंने कभी की नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। It really hurts. I'm not doing it anymore. Hi there guys, Assalamualaikum. मैं हूँ अलीना उमर, वेलकम बैक टू माई चैनल अलीना उमर्स ब्यूटी। चार्म तो जी आप लोगों ने देख ही लिया टाइटल से और थंबनेल पे कि मैं कर रही हूँ फेस वैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम और मैं यूज़ कर रही हूँ वीट की वैक्स स्ट्रिप्स जो कि रेडी टू यूज़ होती हैं। इसके ऊपर लिखा है ईजी विद ग्रिप और नॉर्मल स्किन के लिए है। शी बटर एंड बेरी फ्रेग्रेंस है इसके अंदर और इफेक्टिव इवन शॉर्ट हेयर भी इन्होंने लिखा हुआ है। और 20 वैक्स स्ट्रिप्स होती हैं इस बॉक्स में। 230 टू 50 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा इजीली। एक्सपायरी डेट इसकी लिखी हुई है 21 यानी 2021 में ये एक्सपायर हो जाएगा। और इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, मैंने एक्चुअली पहले कभी भी यूज़ नहीं की क्योंकि मैंने आज तक कभी भी कोई भी फेस थ्रेड कोई भी फेस वैक्सिंग स्ट्रिप्स वगैरह यूज़ नहीं की। मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ और आपके सामने यूज़ कर रही हूँ। और अंदर से ये कुछ इस तरह से है, इस तरह से है। इसके अंदर 20 स्ट्रिप्स होती हैं। 20 मीन्स ये देखें, ये इस तरह के 10 पैक्स होते हैं, ठीक है। ये इस तरह के 10 पैक्स होते हैं जो कि 1 और 1 2 ये हो गए, तो 10 मीन्स 20। तो 20 इसके अंदर स्ट्रिप्स हैं। और इसको यूज़ करने का तरीका जस्ट यही है कि आपने एक ली, इसको हाथ से गर्म किया। और दूसरी बात ये कि आपने कैंची लेनी है और यानी सीज़र लेके तो आपने उसके हिसाब से ना अपने फेस के हिसाब से जहाँ जहाँ आपने करनी है उस हिसाब से इसको कट्स लगाने हैं, कट करना है। कट करने के बाद आपने अपने फेस पे इसको लगाना है और फिर देखें क्या होता है। और मैं आपके सामने करने लगी हूँ और ये मैं इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। मैंने इतना सा हिस्सा काटा, अब मैं इसको गर्म कर रही हूँ हाथ पे। ये हो गई गर्म और अब इसको ओपन करेंगे और नाउ इट्स टू। मैंने कभी की नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है, कभी भी नहीं की मैंने। I didn't do it. I have just so short hairs, like जिसको कहते हैं ना रुए वो हैं। सो इट रियली हर्ट्स। और ये देखें यहाँ पे निशान भी बन गया है। आई एम नॉट डूइंग इट एनी मोर क्योंकि ये देखें ये यहाँ पे निशान बनना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे मेरी स्किन जो है ख़राब हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। आई एम नॉट डूइंग इट एनी मोर। सी I literally got rashes here. See, इधर rashes हो गए हैं और यहाँ पे मेरी स्किन जो है रेड हो गई है और ये थोड़ी देर बाद आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक होना शुरू हो जाएगी और मेरी स्किन यहाँ से ख़राब हो जाएगी। सो आई एम नॉट सजेस्टिंग इट, आई एम नॉट डूइंग इट एनी मोर ऑन माई फेस। एज यू कैन सी इट रियली हर्ट्स। यू ऑल कैन सी आई हैव गॉट रैशेज हेयर एंड आई एम नॉट डूइंग इट एनी मोर। इट रियली हर्ट्स, इट्स पेनिंग हेयर। सो आई एम नॉट डूइंग इट ऑन माई फेस। आई एम नॉट सजेस्टिंग एनी वन टू डू इट एट होम। इट आई एम नॉट डूइंग इट डेफिनेटली। नो वेज आई एम नॉट डूइंग इट एनी मोर।
मेरी आंखों में पानी भी आना शुरू हो गया है। अब मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल लगाती हूँ, सूदिंग लोशन लगाती हूँ। चाहें तो आप लोग हैंड के लिए कर सकते हैं, बट आई एम नॉट सजेस्टिंग इट ऑन योर फेस। आप लोग इसको अपने हाथों के लिए यूज़ कर लें, बाजुओं के लिए यूज़ कर लें, इट्स गुड। क्योंकि जब हम लोग फेस पे करते हैं ना वैक्स, तो एक तो हमारी स्किन खिंचती है, ठीक है, उससे ये होता है जब हम लगातार अपने फेस पे वैक्सिंग करते रहें, स्ट्रिप्स यूज़ करते रहें, तो हमारी स्किन के ऊपर साइंस ऑफ एजिंग आना शुरू हो जाते हैं, हमारी स्किन लटकना शुरू हो जाती है वैक्सिंग की वजह से। और इसके अलावा ये जो डेली रेड हो जाती होगी आपकी स्किन, कहीं पे खून जम भी जाता होगा, ब्लड जो है रुक जाता होगा, और फिर वहाँ से ही जहाँ पे ब्लड रुकता है निशान बनते हैं, वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है एरिया, और फिर आपको 3-4 दिन तक वो ब्लैक चेहरा लेके घूमना होता है, स्पॉट्स लेके घूमने होते हैं। सो ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ी हुई है कि एक तो आप वैक्स करवाएं, वैक्स का वैसे ही असर 5-6 दिन बाद बाल आना शुरू हो जाते हैं, और 5-6 दिन तो वो जो निशान पड़ा होता है उसको रिकवर होने में लग जाते हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है वैक्स करने की फेस पे। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप लोग फेस के लिए स्ट्रिप्स या वैक्स यूज़ करें। फिंगर वैक्स ओके है, फिंगर वैक्स आप कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी। बट ये जो वैक्स स्ट्रिप्स होती हैं और दूसरी वैक्स जो आप लोग घर बना के करते हैं, उसको फेस पे करना, जब आप पुल करते हैं स्किन लटकती है, और आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है, और आपकी स्किन जो है वो लटक जाती है। इसके अलावा निशान तो आप लोगों ने देख लिया जैसे कि मुझे पड़ा है। अब मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग करना चाहते हैं ये वाली वैक्स, तो आप लोग अपने बाजुओं पे कर लें, ठीक है। और हाँ, बाजुओं पे आप लोग कर सकते हैं, टांगों के बाल थोड़े से मोटे और बड़े होते हैं, उस पर पेन होगी, और मे बी उस पर ना हो, बट मैं किसी को चाहिए तो बता दें, मैं आपके घर भेज देती हूँ। मेरे लिए इट्स ज़ीरो, मैं तो इसको दोबारा यूज़ करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इसने अभी भी दर्द हो रही है, और मेरी यहाँ से स्किन जो है डेफिनेटली ब्लैक हो जानी है कुछ देर बाद। तो जी, आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरी आने वाली जो है वीडियो का वेट कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।